हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है डे 23 और हम लोग पढ़ेंगे आज इंडस्ट्रियल रिलेशन। सिंस हमारे कोई व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि इंडस्ट्रियल रिलेशन पे टॉपिक को पढ़ाने के लिए, सो विल स्टार्ट दैट। फर्स्ट देखते हैं मीनिंग। द टर्म इंडस्ट्रियल रिलेशन रिफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर्स or among employees and their organization that characterize a growth of employment by daily yield। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है? एक रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट और लेबर जो काम करते हैं उनके बीच में, या फिर एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन जो एक साथ एक कल्चर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। फर्स्ट है टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ लेबर एंड मैनेजमेंट। जो लेबर एज वेल एज मैनेजमेंट दोनों का जो इंटरेस्ट है उसको सेव गार्ड करना। सेकेंड, टू अवॉइड इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट। इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट होता है जैसे स्ट्राइक, लॉकआउट, घेराव, जो हम लोग आगे बढ़ेंगे वो सारे को अवॉइड करने में हेल्प करता है। टू रेज प्रोडक्टिविटी टू द हाइएस्ट लेवल। तो ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में हेल्प करता है ताकि ये लोग देखता है कि एब्सेंटिज्म नहीं हो और सारे लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और इट इंश्योर्स फुल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है टू एस्टैब्लिश एंड नर्स द ग्रोथ ऑफ एन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को देखता है कि ये सारे एम्प्लॉयज़ के लिए हो। नेक्स्ट है टू एस्टैब्लिश गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ सच प्लांट्स एंड यूनिट्स विच आर रनिंग एट लॉस। जो भी लॉस में रन कर रहा है उसको कंट्रोल करना। एंड लास्ट, टू ब्रिंग गैप बाय स्टेट बिटवीन द इम्बैलेंस डिसऑर्डर एंड माल एडजस्टेड सोशल ऑर्डर एंड एडजस्टिंग द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग है जो स्टेट और हमारे इंडस्ट्री के बीच में जो भी गैप है उसको हारमोनी में लाना। नेक्स्ट विल सी स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इसका तीन स्कोप होता है। फर्स्ट, एक रिलेशनशिप अमॉन्ग एम्प्लॉयज़ के बीच में। सेकेंड, बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड सुपीरियर या फिर मैनेजमेंट के बीच में। नेक्स्ट है कलेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेड यूनियंस एंड मैनेजमेंट। ट्रेड यूनियंस और मैनेजमेंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसे हम बोलते हैं यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन। और उसके बाद है कलेक्टिव रिलेशन अमंग ट्रेड यूनियन एम्प्लॉय एसोसिएशन एंड गवर्नमेंट। ट्रेड यूनियन का एम्प्लॉयज़ का एक एसोसिएशन होता है और गवर्नमेंट, ये तीनों का एक रिलेशनशिप होता है। ये सारा हो गया स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे नेचर। तो नेचर या फिर इसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। सो फर्स्ट है टू पार्टीज होता है, एक वर्कर्स एक मैनेजमेंट। दूसरा है इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है, सारे लोग एक दूसरे से इंटरैक्टिव करते हैं, चाहे वो टॉप बॉटम हो या बॉटम या से टॉप हो, या सुपीरियर वर्कर्स मैनेजमेंट ट्रेड यूनियन लीडर्स और एम्प्लॉयज़ फेडरेशन एंड वर्कर्स यूनियन, सब लोग एक दूसरे से बात करते हैं। तो इट इज़ एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। नेक्स्ट इज़ एच आर एम प्रैक्टिसेस। सो इफेक्टिव एच आर एम प्रैक्टिसेस होता है जैसे आइडेंटिफिकेशन, स्टिमुलेशन, डिजाइनिंग ऑफ सूटेबल टेक्निक, चूजिंग द राइट काइंड ऑफ पर्सन फॉर द राइट जॉब, बिल्डिंग वर्कफोर्स, जो सारे को ग्रोथ अचीवमेंट एंड डेवलप करने में हेल्प करें। सो एच आर एम प्रैक्टिसेस जितना है वो सारा इसमें एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट, अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। सो बहुत सारे अप्रोचेस है जैसे सोशियोलॉजिकल, सोसाइटी में कैसे रहना, साइकोलॉजिकल अपने नीड्स को फुलफिल करना, सोशियो एथिकल, ह्यूमन रिलेशन, गांधीयन सिस्टम अप्रोच, ये सारा अप्रोचेस है ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। नेक्स्ट, रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस। ये हमें परसेप्शन एटीट्यूड्स टूवर्ड्स मैनेजमेंट बताता है और हमें इन्फ्लुएंस करता है एक साथ मिल करके ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट के लिए वर्क करने में। नेक्स्ट है इन डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस। इट इज़ डन थ्रू बायलेटरल नेगोशिएशन, दोनों मिल करके नेगोशिएट करते हैं। एंड लास्ट इज़ इशूज़ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इसका इशूज़ होता है इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक, जो गवर्नमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग में होता है। सो अब इसके बाद हम लोग कुछ MCQs देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? तो ये सारा है, कनेक्ट करना, कलेक्टिव विजडम देना और कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन सारा है। तो ऑप्शन विल बी डी, नन। सेकेंड क्वेश्चन, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल टॉट। इंडस्ट्रियल टॉट मतलब होता है
ग्रॉस मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट जो सारे कर रहे हैं, लॉट टोटल वाला, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। सेफ गार्ड इंटरेस्ट करना है, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट है और रेस प्रोडक्टिविटी है, तो इंक्रीज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे थियोरीज ऑफ यूनियनिज्म। फर्स्ट है रेवोल्यूशनरी थियोरी, ये डेवलप किया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। इसे बोलते हैं हमें क्लास थियोरी या एंड डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म को ज़्यादा इसमें फोकस किया है। तो यहाँ पे ट्रेड यूनियन बोलता है कि हमें कैपिटलाइजेशन को थ्रो करना है, ओवरथ्रो करना है, उसको एम्पावर करना है। तो ये स्ट्रगल बिटवीन वर्कर्स और कैपिटलिस्ट बिजनेसमैन है। उनका कहना है कि जो बिजनेसमैन है वो रूल करते हैं वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज़ पे, और वो लोग उसका बात नहीं सुनते, ये डोमिनेटिंग करते हैं बिजनेसमैन या फिर जो वर्कर्स या जो अपर लेवल में होते हैं। तो यहाँ पे ये बोला क्लास वॉर करना, उसको ओवर पावर करना, ठीक है। नेक्स्ट होता है एवोल्यूशनरी। एवोल्यूशनरी थ्योरी आया था थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी पे फोकस करके। इसका मतलब है इसको ओवरथ्रो नहीं करना है, बट इक्वलाइजिंग द बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर एंड कैपिटल। जो लेबर और कैपिटल का पावर है, जो लेबर्स वर्कर्स के पास रहता है, उसको इक्वलाइज करना है कैपिटलिज्म के साथ, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स मीन्स बाय विच वर्कर्स ओवरकम मैनेजरियल डिक्टेटरशिप ऑन वन हैंड एंड एक्सप्रेस दे वॉइस अंडर विच दे वर्क ऑन द अदर हैंड। तो जैसे हम लोग देखे थे लास्ट रेवोल्यूशनरी में कि जो अपर लेवल होता है मैनेजरियल, वो डिक्टेटरशिप में रहता है, वो लोग रूल करता है। तो यहाँ पे रेवोल्यूशनरी में है कि जो वर्कर्स है वो लोग भी अपना वॉइस रेज कर सकते हैं कि वर्किंग कंडीशन उनका क्या है या जो भी उन्हें कब प्रॉब्लम है वो उनसे बात कर सकते हैं, सो दैट दे विल बी एन इक्वल रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल ज्यूरिसप्रूडेंस। ये होता है कि एक इंडिविजुअल बार्गेनिंग पावर नहीं कर सकता है, सो जो ट्रेड यूनियन है वो हेल्प करेगा एक इंडिविजुअल को या फिर वर्कर्स को टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट एंड राइट्स इन द वर्क, ठीक है। ये सिंपल है, एक इंडिविजुअल नहीं काम कर सकता, इसलिए ट्रेड यूनियन मिल करके उसके इंटरेस्ट एंड राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है रेबिलियन थ्योरी। ये होता है मशीन्स के अगेंस्ट में, कि मशीन्स एम्प्लॉयज या वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उनके जगह में मशीन को लगाया जा रहा है, सो इससे एम्प्लॉयमेंट का जो एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। सो ये लोग इसके अगेंस्ट रेबिलियन किए कि मशीन जो है उसको उसका यूसेज कम हो, इंस्टेड ऑफ दैट मैनुअल वर्कर्स विल बी एम्प्लॉयड। नेक्स्ट लास्ट गांधीयन अप्रोच। तो गांधीयन जैसे कि वो नॉन वायलेंस के लिए माने जाते हैं, सो इट इज़ बेस्ड ऑन क्लास कोलैबोरेशन रादर देन क्लास कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट की जगह इन्होंने कहा है कोलैबोरेशन होना चाहिए बिटवीन द मैनेजमेंट एम्प्लॉयज वर्कर्स में। सो दिस इज़ नॉट अ मटीरियल, बट यहाँ पे मॉरल और इंटेलेक्चुअल अप्रोच को देखते हुए उन्होंने ये एस्पेक्ट बनाया। तो द डायरेक्ट एम इज़ इंटरनल रिफॉर्म एंड रेवोल्यूशनरी स्ट्रेंथ। इन्होंने ये नहीं कहा था कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो, बट एक मॉरल और इंटीग्रिटी के साथ एम्प्लॉयज वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री में अपना इंडस्ट्री है समझ करके काम करें। So that's all for today. I hope these all theories are clear to you all.